लाडली बहना योजना में लापरवाही पर 3 सस्पेंड, एक सेंटर पर रोज 100-150 पंजीयन का लक्ष्य, सीएम ने जताई थी नाराजगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना कागजों में उलझ कर रह गई है, जिसमें कि आए दिन महिलाओं को कोई ना कोई कागज के लिए लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है। इसके बाद भी महिलाओं के कागज कंप्लीट नहीं होने से उन्हें लाडली योजना का लाभ मिल पाना मुश्किल दिख रहा है। ऊना नगर पालिका के तो ये हालत है कि अपने कार्य को दुरुस्त कराने के लिए पहुंच रही महिलाओं को घंटों इंतजार के बाद भी वापस लौटना पड़ रहा है। नगर पालिका इन महिलाओं को कोई सुविधा नहीं दे पाया है, न इनके कागजों को ठीक ढंग से तैयार कराया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के सामने परेशानी खड़ी हो रही है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में महिलाएं नगर पालिका पहुंच गई, जहां केवल एक ही कर्मचारी दिखाई दिया, जिसमें नगर पालिका इन महिलाओं को सुविधा देने में नाकाम साबित रहे। महिलाओं ने इसको लेकर आपत्ति जताई और प्रदर्शन भी किया। वहीं महिलाओं का कहना है कि यही स्थिति रही तो लाडली योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। लाडली बहना योजना के कामों में लापरवाही बरतने पर 3 कर्मचारियों पर गाज गिरी है। एक पीसीओ और नपा के कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है। गुरुवार को तीनों के निलंबन के आदेश जारी किए गए हैं। लाडली बहना योजना के क्रियान्वयन में गुना जिला नीचे से 8वें नंबर पर है। बुधवार को ही सीएम ने वीसी में जिले में लाडली बहना योजना में कम पंजीयन होने पर नाराजगी जाहिर की थी। बता दें कि लाडली बहना योजना के पंजीयन में महिलाओं को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब रोजाना 100-150 पंजीयन हर पंचायत और वार्ड में करने का लक्ष्य रखा गया है। हालांकि सर्वर न चलने के कारण लक्ष्य के अनुरूप पंजीयन नहीं हो पा रहा है। एक केंद्र पर एक ही कंप्यूटर ऑपरेटर होने की वजह से महिलाओं की भीड़ बढ़ रही है। यही वजह है कि पंजीयन में गुना जिला काफी पीछे है।